मध्य प्रदेश में भाजपा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नेताओं के साथ चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया। भाजपा नेताओं ने कहा, यह पहला चुनाव है जब कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम हाउस में बैठक हुई। बैठक में पहुंचे विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि इस बार कांग्रेस बहुत बुरी फंसी है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे, कांग्रेस से कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता। मध्य प्रदेश को कांग्रेस विहीन करने की मुहिम चल रही है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा कि भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, कांग्रेस में कोई नहीं बचा, इसीलिए कांग्रेस साफ हो रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सतत आगे बढ़ रही है। ढूंढते रह जाओगे, कहते ना ढूंढते रह जाओगे, ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे। बहुत बहुत बुरी फंस गई है कांग्रेस अब की बार। बीजेपी का परिवार बहुत बड़ा है और बीजेपी के परिवार में बहुत ही संयम और बहुत ही धैर्य के लोग रहते हैं। सब हम धैर्यवान लोग हैं। जो कांग्रेस का रहे हैं वो कांग्रेस की जगह रहेंगे, हम बीजेपी के पुराने लोग हैं वो पुरानी जगह रहेंगे। हमारा महत्व तो अलग है, कांग्रेस का महत्व तो अलग रहेगा, अलग अलग रहता ना। अभी कल आए तो उस हिसाब से काम देखेंगे। अगर लोकसभा में अच्छा काम करेंगे तो उनको भी इनाम मिलेगी, अगर नहीं करेंगे तो जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए सतत तैयार इसलिए रहती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मल्टी डायमेंशनली आगे बढ़ रहा है। और जब हमेशा तैयार और तत्पर पार्टी है तो काम का नियोजन करना, संगठन और सरकार को मिलकर चुनाव की सारी रचना को आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति रही। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।